बेच रहे हैं, कल हमारे बेटी बच्चों को बेचेंगे, इसीलिए आज से हम लोग भीख मांगना चालू कर रहे हैं मोदी जी के नाम पे। कोई तो 1 रुपया 2 रुपया दे दो, अगर वो भी नहीं मिलता तो कोई पकौड़ा खिला दो, कोई चाय पिला दो भैया, क्योंकि मोदी जी ने कहा है कि युवा पकौड़ा बेचेंगे और जो गरीब लोग हैं वो भीख मांगेंगे। तो इसीलिए मैं आज मोदी जी के नाम से भीख मांग रहा हूँ। कोई किसी को अगर दर्द है, किसी को अगर थोड़ा सा फिक्र है देश का, आज जितने भी मेरे भाई लोग हैं उन सबसे मैं अपील करता हूँ कि मोदी जी फकीर हो चुके हैं, हमारा देश बेच रहे हैं, आज हमारे किसान को बेच रहे हैं। ये दर्द जो है आज पूरे हिंदुस्तान के जो लोग हैं वो लोग जाकर के कल को भीख मांगेंगे। मैं सोच रहा हूँ कि आज से ही मैं भीख मांगना चालू करता हूँ कि मोदी जी के नाम से 1 रुपया दे दो, 2 रुपया दे दो, कोई 5 रुपया दे दो, कोई 10 रुपया दे दो भाई, दे दो आज के तारीख में दे दो। इसके आगे कुछ नहीं बचा है। मोदी जी ने 23 कंपनी बेच दिया, एक कंपनी उन्होंने 6 साल के जिंदगी में लाया नहीं है। मगर पहला टाइम ऐसा हमारा देश का निकम्मा प्राइम मिनिस्टर आया है देश में, जो कि कंपनियां बेच रहा, देश बेच रहा, आज किसानों को कल बेच दिया, कल को जाकर के हमारी बेटी बच्चों को बेच देंगे। और इसके अलावा कोई हमारे पास चारा नहीं है, इसीलिए हम भीख मांग रहे हैं कि मोदी जी के नाम से भीख दे दो। अगर थोड़ा सा शर्म है तो शर्म करो देश के जनता और उठ जाओ, इंकलाब करो, इंकलाब उठाओ, क्योंकि हमारे पास कोई विकल्प नहीं है, कोई आजादी नहीं है। अगर हम आजादी की नारा लगाते हैं तो हमें अरेस्ट कर लिया जाता है, हमें चाहिए तो हमें अरेस्ट कर लो। मगर मोदी जी के नाम से मैं देखो, मैंने कपड़े उपड़े सब लेके आया हूँ, मुझे जेल में डालना तो जेल में डाल दो, मुझे कोई फिक्र नहीं है, क्योंकि आज हमारा किसान भी बिक रहा है। हमारा किसान जब हमारा हिंदुस्तान आजाद हो गया था, हमारा किसानी था, हमारा ताकत था, हमारा सोने का चिड़िया बिक रहा है। अंग्रेज चले गए थे, हमारे देश में हमारी किसान हमारी ताकत थी, मगर आज हमारा किसान बेचारा लाचार है, मजबूर है, रोड में रेंगता हुआ जा रहा है। आज जो हरियाणा हमारा हिंदुस्तान का शान है, पंजाब हमारा हिंदुस्तान का शान है, वो किसान आज रेंगते हुए जा रहा है। पुलिस वालों को भी दया आ रहा है, मगर मोदी सब गवर्नमेंट को दया नहीं आ रहा है। मैंने कल का वीडियो देखा कि पुलिस वाले उनको समझा रहे हैं, वो रेंगते हुए जा रहे हैं, पुलिस वालों को भी दया आ रहा है, हमारे सरकार को दया नहीं आ रहा है। इसीलिए मैंने आज मोदी जी के नाम से भीख मांगना चालू किया, भाई लोग आज भीख दे दो मोदी जी के नाम से भीख दे दो भाई लोग, और हमारे देश में कुछ नहीं है भाई लोग, ये मोदी जी जैसे निकम्मा सरकार मैंने कभी जिंदगी में नहीं देखा। अटल जी ने 17 कंपनी बनाए थे, मगर उन्होंने 7 कंपनी बेचा था, मगर उन्होंने तो बनाया था 17 कंपनी। मोदी जी ने आज जितने भी मोदी जी के भक्त हैं, मैं उन सब का सवाल करता हूँ कि मोदी जी ने 1 कंपनी 7 साल के सरकार में बनाया क्या? नहीं बनाया उन्होंने, 1 भी कंपनी नहीं बनाया। आज हमारा पुलिस बड़ा परेशान है, यूपी में 8-8 पुलिस 10-10 पुलिस का शहीद हो जाते हैं, आज पुलिस परेशान है, प्रशासन परेशान है, आर्मी हमारा चाइना में 20-20 आदमी शहीद हो जाते हैं, एक चाइना का नाम लेने को भी शर्म आता है, उनको डर होती है। और ऐसे सरकार हमें नहीं चाहिए, ऐसे निकम्मा सरकार हमें नहीं चाहिए, ऐसा निकम्मा हमारे को पीएम नहीं चाहिए। आज मोदी जी के नाम से हम भीख मांग रहे भाई को, आज भीख दे दो मोदी जी के नाम से, आज कल को जाकर के भीख मांगेंगे, आज से हम भीख मांगना चालू करेंगे, कल हमारे बच्चे भीख मांगेंगे, कल हमारे युवा भीख मांगेंगे। मोदी जी कहते हैं कि पकौड़ा बनाओ, हम पढ़ लिख करके पकौड़ा बनाने के लिए देश में आए थे क्या? हम मोदी जी जैसे हमारे को पीएम चाहिए, आज भीख मांग रहे हम लोग देश में मोदी जी के नाम से भीख दे दो। ये देखो भाई लोग, अरे मोदी जी ने बनाया है शौचालय, पेट में खाना नहीं है तो शौचालय कैसे जाए? दे दो भाई लोग मोदी जी के नाम से, जिसको देना है दे दो भाई। मोदी जी आज देश बेच रहे हैं, फकीर हो गए हैं, सारे मीडिया वालों से सारे लोगों से मैं भीख मांग रहा हूँ, भीख दे दो मोदी जी के नाम से, भीख दे दो आज देश बेच रहे हैं, कल हम ही बेचेंगे, ऐसे भी हम बिक चुके हैं और कुछ बचा नहीं है हमारे, भीख दे दो भाई लोग, मोदी के नाम पर भीख दो, मोदी के नाम पर, मोदी जी के नाम से भीख दे दो, जाओ बफला ही दे लेनी आओ, जाओ मोदी जी के नाम से कितना भीख मिल गया, भीख ही मांगेंगे हम लोग, और मोदी जी के पास कुछ नहीं है। बरकत होगा तो तुम्हारा रोजी रोटी।